किसी भी जंग को जीतने के लिए हमें हमारे दुश्मन की सारी जानकारियां पता होनी चाहिए। आपको जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है, दैट इज CUET, जो बिल्कुल ही न्यू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, सो इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर नहीं बट क्रैक करने के लिए आप सभी को इस एग्जाम की सारी जानकारियां, बारीक जानकारियां पता होना बिल्कुल मस्ट है। पिछले साल CUET 2023 के अंदर ऐसे कई सारे बच्चे थे, जब मुझसे बिल्कुल एग्जाम क्लोज आ चुका था तब जाके भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या भाई हमारा 11th का सिलेबस भी आ रहा होगा, क्या हमारे इंग्लिश लिटरेचर भी पूछी जा रही होगी, एग्जाम पैटर्न नहीं मुझे समझ आ रहा, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं। कई सारे बच्चों के मन में एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर एंड मार्किंग स्कीम को लेकर बिल्कुल लास्ट तक कई सारे डाउट रह गए थे, जिन जो बाद में उनको परेशानी फेस करनी पड़ी। एंड आप में से एक भी बच्चा CUET 2024 को लेके इन परेशानियों को फेस ना करे, आज आपके लिए मैं ये वन वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा CUET का एग्जाम पैटर्न, आपकी मार्किंग स्कीम एंड फाइनली आपका जो सिलेबस है 100% फॉर्म में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपका पॉसिबली एक भी डाउट नहीं बचेगा, और अगर आपको कोई डाउट आता है इन तीनों से रिलेटेड तो आप लोग बेझिझक गाइस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो गाइज, मैं आप सभी के बिल्कुल बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए चलूंगा, जो आप लोग नीचे टाइम स्टैम्प में भी देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज आगे जाके आप सभी के लिए ऐसे CUET से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं जिनकी मदद से पिछले साल कई बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा पाए। वो वीडियोस पाने के लिए गाइज आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 11th का सिलेबस क्या हमारे CUET के अंदर आता है या नहीं आता है। इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं आता है। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ गाइज अपने क्लास 12th के सिलेबस के अंदर फोकस करना है। क्लास 12th के सिलेबस का क्या मतलब है, बेसिकली गाइज इस समय पे आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी NCERT उठाइए, उस NCERT के अंदर आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको जितने भी चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं वो सारे चैप्टर्स आप सभी के CUET के अंदर आने वाले हैं। ना अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या भाई वो पर्टिकुलर चैप्टर्स से जो CBSE ने डिलीट कर दिए हैं तो क्या वो भी हमारा CUET के अंदर पूछा जा सकता है, क्या हमारा डिलीटेड सिलेबस भी CUET में आ रहा होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, आप सभी का डिलीटेड सिलेबस भी आपके CUET के अंदर कवर हो रहा होगा। सो ये दो डाउट्स गाइस सबसे बड़े डाउट्स होते हैं CUET एस्पिरेंट के, कि क्या क्लास 11th का सिलेबस भी आता है, बिल्कुल नहीं आता है, क्या डिलीटेड सिलेबस भी आता है। इसका आंसर है यस आता है। एंड एक फाइनल क्वेश्चन के, क्या भाई हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस हैं क्या वहां से भी हमारे CUET में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, आपका इंग्लिश एग्जाम का CUET के अंदर बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट सिलेबस होता है। Now guys, अब हम लोग बात करते हैं CUET स्पेसिफिक CUET के प्रॉपर एक्चुअल सिलेबस के बारे में। Now guys, जहां तक बात है CUET की, इसके अंदर आप सभी के सिर्फ और सिर्फ तीन सब्जेक्ट कवर होते हैं एंड ये तीनों ही अपने नाम पे बहुत ही भारी सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपका कवर किया जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, सेकेंड होते हैं आप सभी के डोमेन सब्जेक्ट्स एंड थर्ड आ जाता है आप सभी के जनरल टेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये नहीं पता है डोमेन्स क्या होते हैं तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोग ऊपर दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। आप सभी के डोमेन सिलेबस की, तो बेसिकली डोमेन का मतलब होता है वो सब्जेक्ट जो इस समय पे आप लोग अपनी क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्या ब्रो CUET के लिए हमारे सब्जेक्ट के लिए कोई डिफरेंट सिलेबस होता है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इस समय पे क्लास 12th में आप अपने सब्जेक्ट के लिए जो भी पर्टिकुलर चैप्टर्स NCERT से पढ़ रहे हैं बस वही सारे चैप्टर्स आप सभी के CUET में पूछे जाएंगे। मतलब आप लोग अपनी NCERT खोलिए, NCERT खोल के आपको इंडेक्स में जितने भी चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं 10 या 12 चैप्टर्स, वो सारे चैप्टर्स आप सभी के CUET में पूछे जाने वाले हैं एंड यही सिंपल सिलेबस होता है आपके डोमेन्स के लिए। नाउ जहां तक बात आ जाती है आपके लैंग्वेज पेपर एंड आपके जनरल टेस्ट पेपर की, तो इसके अंदर क्या चीजें कवर होती हैं? जहां तक बात है आपके लैंग्वेज पेपर की, इसके अंदर आ जाता है आप सभी की दो चीजें, सबसे पहला एप्टीट्यूड एंड सेकेंडली आपके ग्रामेटिकल पोर्शन। जहां तक बात है आपके जनरल टेस्ट सिलेबस की, इसके अंदर तीन चीजें कवर करी जाती है। कौन सी है ये तीन चीजें? सबसे पहले आ जाता है आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड आ जाता है आप सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, एंड थर्ड आ जाता है आप सभी का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी फर्दर डिवाइड होता है स्टैटिक एंड डायनामिक पार्ट के अंदर। नाउ जैसे कि गाइस आप लोग इस सिलेबस को देख सकते हैं, आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि यार ये चीज तो मेरे 12th के सिलेबस से तो कवर नहीं होगी, मुझे इनके लिए सेपरेट तौर पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नाउ क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 12वीं के तो पेपर है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा अलग से सिलेबस तो CUET के लिए बनाना पड़ेगा जो इन दो सब्जेक्ट से कवर किया जाता है। तो आपको गाइस लैंग्वेज एंड GT के लिए बिल्कुल एक सेपरेट
प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एंड सेपरेट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरा बहुत ही जल्दी गाइस बहुत डिटेल्ड रोड मैप आने वाले हैं इन दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना, मैं आपको पूरा आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करने वाला हूँ। सो बेसिकली गाइस अभी जो आपने अपनी स्क्रीन पे देखा लैंग्वेज के लिए एप्टीट्यूड ग्रामर आपका जीटी के अंदर ये तीन पार्ट्स, सो इतना ही सिलेबस होता है आपका लैंग्वेज एंड जीटी के लिए। बट ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भाई इंग्लिश के एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ग्रामर के कवर करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो 2024 में आपको क्या क्या बिल्कुल न्यू ट्रेंड एंड न्यू चीजें पढ़नी पड़ेगी इसकी बिल्कुल एक अलग वीडियो आ रही होगी, आपके पूरी हेल्प मैं करूंगा, डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट। बस ये चीज थोड़ा सा घबरा देती है बच्चों को कि यार लैंग्वेज तो बिल्कुल अलग सिलेबस अब आ रहा है मेरे लिए, जीटी तो बिल्कुल एक अलग सिलेबस आ रहा है मेरे लिए। बट मैं एक्चुअली अगर आपको बताऊं तो अगर आपको ये समझ आ गया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो आपके लिए हर एक एक टॉपिक पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या ब्रो हमारी सीयूटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होती है, तो मैं आप सभी को ये थोड़ा सा पहले डिटेल में बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। मार्किंग का मतलब होता है, मैं एक एग्जाम्पल से आप सभी को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सीयूटी के अंदर आपका एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। नाउ अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 5 मार्क्स तो ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एंड इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जब नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो जाती है तो इसका मतलब कि एक क्वेश्चन है आपका जिसके 5 मार्क्स होते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 5 मार्क्स तो कटेंगे लेकिन एक इसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -1 की। मतलब एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 5 मार्क्स तो खो गए लेकिन आप 1 मार्क्स और अपने कटवा दोगे। इसी तरीके से आपने 2 क्वेश्चंस गलत किए तो 5-5 मार्क्स तो कटेंगे बट -1 और कटेंगे क्योंकि आपकी सीयूटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग आई होप आपको समझ आई होगी एंड मैं लिटरली अगर आपको बताऊं तो ये खलनायक चीज है। सो मैंने इसको खलनायक क्यों बोला, इसका मेनली यही रीजन है कि गाइस जैसे आप लोग 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं सीयूटी में, इसका मतलब कि 5 मार्क्स इसका मतलब टोटल आप लोग 20 मार्क्स खोएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से और आपके मार्क्स हटेंगे -1 टोटल -4। तो इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके इन टोटल 24 मार्क्स कट रहे होंगे। नाउ क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहां पे गाइस 16 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं सीयूटी के लिए पिछले साल के, इस साल और भी ज्यादा नंबर में बच्चे अप्लाई करेंगे, तो एक क्वेश्चन गलत होने से गाइस आप लोग 100 200 300 400 बच्चों के नीचे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे हर एक एक मार्क्स की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन गलत होने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को लीव कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स और कट जाएगा, लेकिन अगर आप उस एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो वो छोड़ने से सिर्फ आपके 5 मार्क्स कटेंगे ना कि 6 मार्क्स कटेंगे। तो ये एक पूरा नेगेटिव मार्किंग आपका सीयूटी के अंदर चल रही होती है। वैसे तो गाइस ये नेगेटिव मार्किंग हमारी मार्किंग स्कीम का पार्ट है बट मैंने चलो इसे पहले एक्सप्लेन कर दिया। एनीवेज आप लोगों के सीयूटी के अंदर कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे अब ये चीज मैं आप सभी को बता देता हूं। जहां तक बात है आपके लैंग्वेज एग्जामिनेशन की एंड आप सभी के डोमेन्स की एग्जामिनेशन की, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आप सभी से 50 क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे, जिनमें से आप सभी को 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड आप लोग 10 क्वेश्चंस को लीव कर सकते हो। सो इस तरीके से गाइस आप सभी के लैंग्वेज के टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200 मार्क्स एंड इसी तरीके से आपके डोमेन्स के अंदर हो जाते हैं टोटल 200 मार्क्स में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा। लेकिन जीटी के अंदर आपका एंटायरली डिफरेंट आपका एग्जाम पैटर्न है। जीटी के अंदर आप सभी को 60 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको 50 सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि आप सभी का जीटी का पेपर हो रहा होगा टोटल आउट ऑफ 250 में से। एंड जहां तक बात है आपकी मार्किंग स्कीम की, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया लैंग्वेज आप सभी का हो रहा होगा 200 मार्क्स का, आपका डोमेन्स हो रहे होंगे 200 मार्क्स के एंड सिर्फ और सिर्फ जीटी हो रहा होगा आप सभी के 250 मार्क्स का। नाउ इसके अंदर आप सभी की एक नेगेटिव चीज अप्लाई हो जाती है, दैट इज योर नेगेटिव मार्किंग। क्या है ये नेगेटिव मार्किंग मैंने पीछे आप लोगों को बहुत डिटेल में बता दिया है। सो आई होप गाइस आप सभी को सीयूटी का सिलेबस एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और भी कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।